अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं सो विदाउट अ मेन्यू विदाउट अ हेडर आपकी वेबसाइट कैसे बनेगी? वेबसाइट का मतलब क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस जिसके अंदर बहुत सारे वेब पेजेस हैं एंड विद इन द वेबसाइट वी कैन एबल टू नेविगेट फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर. यही वेबसाइट होती है. आप एक वेबसाइट के अंदर एक पेज से दूसरे पेज पे, कोई और पेज से डायरेक्टली होम पेज पे वापिस आ रहे हैं, मीन्स आप नेविगेशन कर पा रहे हैं. सो देयर वर फाइल्स जिसमें कोई मेन्यूज ही नहीं है, तो बिना मेन्यूज के आपकी वेबसाइट कैसे बनी? वो तो एक नॉर्मल एक डमी वेब पेज बना आपका. इट इज नॉट अ वेबसाइट इफ यू आर नॉट एबल टू मूव फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर. नो हाइपर लिंक्स आर देयर. एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं वेबसाइट का लेआउट सेम रहता है. आप कोई भी वेबसाइट नेट पे देखो, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वेबसाइट के अंदर अगर 6 पेजेस आते हैं तो 2 पेजेस का कुछ लेआउट और है, 3rd पेज का लेआउट और है, 4th पेज का कुछ और है. इट इज नॉट लाइक सो. कभी भी कोई वेबसाइट का लेआउट डिफरेंट नहीं होता है ऑन एवरी पेज. इट शुड फॉर्म अ सेम काइंड ऑफ पैटर्न, अ सेम लेआउट शुड बी देयर. यूनिफॉर्मिटी होती है. किसी भी अगर आप फॉर्म बना रहे हो, कॉन्टेक्टस बना रहे हो, लेकिन उसके ऊपर क्या कंपनी का वेबसाइट का लोगो कुछ नहीं आएगा. अगर आप लास्ट पेज चलो बना भी रहे हो कॉन्टेक्टस पेज को और वहां पे आपने यू हैव डन द कोडिंग ऑफ अ फॉर्म, बट हाउ विल आई कम टू नो वेदर दिस इज अ समवन्स वेबसाइट्स कॉन्टेक्टस फॉर्म और इट इज जस्ट अ फॉर्म दैट यू हैव मेड अ डमी वेब पेज. नो अमृतपाल, सो मेनी फाइल्स आई हैव चेक्ड. And really, to my surprise, I don't know, बहुत अच्छे अच्छे बच्चों ने, और कईयों की फाइल ऐसे विजिबिलिटी ही नहीं है, मैं रीड ही नहीं कर पा रही हूँ कोडिंग, मुझे पता ही नहीं चल रहा किस पेज पे इंटरनल लगी है, किस पेज पे एक्सटर्नल CSS लगी है. एटलीस्ट कोडिंग अगर आप प्रिंट आउट निकाल गए, इट शुड बी रीडेबल. मुझे दिखाई दो, उसको रीड तो कर पाऊं. शांतनु, योर फाइल वॉज लाइक दैट. मैं रीड ही नहीं कर पाई कोडिंग आप, इतना छोटा छोटा, इतना बारीक बारीक फॉन्ट और आपका नीचे वाला सारा पेज खाली. अब उसको अच्छे से आराम से बहुत क्लियरली यू कैन यूटिलाइज. अगेन नो बॉर्डर्स वर देयर, हेडर फुटर नहीं लगाया. आपको पता है कब से आप ये चीजें 9th ऑनवर्ड्स आप फाइल्स बनाते आ रहे हो, आपको पता है ये चीजें मैटर करती हैं फॉर मार्क्स. अगेन एंड अगेन आई ऑलवेज स्ट्रेस ऑन द फॉर्मेटिंग पार्ट ऑफ अ फाइल. बीच में कंटेंट चाहे अपना लेस कर लो, लेकिन फॉर्मेटिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो. अगर इतनी फाइल बना रहे हो, वेब पेज की कोडिंग कर रहे हो, हाँ तो ही माइट हैव कम यस्टरडे ना फॉर द वैक्सीनेशन, सो ही हैव सबमिटेड. इवन ऑफ द ध्रुव मेहता, यू आर सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट बच्चे ध्रुव, आप इतने अच्छा क्लास में वर्क करते हैं. आई नो यू हाउ यू डू अ कोडिंग सेक्शन, आपकी कोडिंग में हाथ अच्छा है, आप अच्छे से करते हैं, बट इन दी फाइल आर रियली सरप्राइज कि आपने वेब पेज बनाया, क्या वेबसाइट है क्या उसमें? कंटेंट ही नहीं मुझे लगा, इतना अपील ही नहीं किया वेबसाइट आपका, होम पेज एंड ऑल. सो पता नहीं हमने कितना एफर्ट्स और कितना टाइम हमने प्रोजेक्ट को डिस्कस करने में ही लगाया. आई थिंक एंटायरली 2 to 3 पीरियड्स आई हैव स्पेयर ऑन दैट. सो द स्टूडेंट्स हु आर स्टिल टू सबमिट देयर फाइल्स, जिन्होंने अभी आना है, डू हैव अ लुक ऑन योर फाइल योर सेल्फ फर्स्ट बिफोर सबमिटिंग. आप खुद पहले अपनी फाइल देखो कि आपको सही लग रही है, आपको लग रहा है कि इट इज रीडेबल, इट इज कंटेंट रिलायबल, द फॉर्मेटिंग पार्ट इज अप टू मार्क, प्रॉपर नेविगेशन है सारी जगह पे, आपने वर्सेटाइल एक यूनिफॉर्मिटी बनाई है वेबसाइट्स के ऊपर. ये कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ सो दैट यू कैन वर्क अपॉन देम बिकॉज यू स्टिल हैव अ टाइम. आज का भी आपके पास आपको डे मिल गया, नहीं बनेगी कल तक कोई बात नहीं, यू कैन टेक अ परमिशन, यू कैन सबमिट डे आफ्टर टुमारो, टिल सैटरडे यू कैन गिव मी, बट डू योर वर्क होल हार्टेडली. ओके, सो कमिंग ऑन टू द टॉपिक इंटरनेट, इन द लास्ट लेक्चर वी वर डिस्कसिंग सर्च इंजन्स. So in the search engines, we have discussed
That is the service given by the internet, or you can say a facility provided by the internet with the help of which we can able to find a particular topic. We can able to search the information on a topic. Then we also discuss some of the keywords or some of the tips that are very useful while searching the exact information, appropriate content should be there. And the components which are involved in the search engine, that is a web crawler. Your web crawlers are also called as spiders or bots or agents. Then the indexing software, which will make the list of links in a form of index and to be stored in the database. Then some search algorithm, that means some program or some coding to be done there, which will match the exact searching keyword so that in order to retrieve an appropriate result. So that we studied about the search engine. And we also studied वहीं पे the lecture was got over. हम वहीं पे ये चीज discuss कर रहे थे कि search engine में we can able to find the information. हम information तो ढूंढते ही हैं search engine के साथ. So many search engines are available. Bing is there, Yahoo is there, Google is there. But along with that, we can also able to find the people on the internet. Instead of the information, we can able to find our relatives, our friends on the internet through some websites which are particularly available for finding the people, for finding the persons. So such internet sites, with these are filled with facilities to create a profile. That means you have to create your social profile first. Then these profiles will help you to find a person. The various websites are there which are working particularly for this purpose only. For example, 123people.com, whitepages.com, www.addresses.com, yellowdictionary.com, people.com, pq.com. So you can note down the examples here. Four examples in front of you. Iske ilawa aap likho yahan pe www.addresses.com. www.addresses.com, yellowdictionary.com or pq.com. So you have to learn any 4 to 5 websites for the same. I hope the topic is very much clear to all. It's very simple. Simply, you have to use the websites for finding the people on the internet. So various websites we have already discussed. So coming on to the next topic, that is email. So before I'm going to discuss that, I want to listen from you people. Aap sab log email use karte ho. Aapko kya benefit lagta hai email use karne ka? Yes, anyone. What benefit you find while using the email or how to use email? Kya karte ho aap agar aapko email send karni hai? What is the main or ultimate purpose behind the email? Yes, anyone? पहले तो बताओ email stands for, email की full form क्या है? E stands for electronic. Okay, nobody wants to give answer. चाहे आपको पता भी है, I know कि आप लोगों को आता है, आपको पता है email क्या होता है, सबने use किया हुआ है email, सब use करते हैं send करने के लिए. Don't answer me in the chat box. I'm not going to open that. Just raise your hand, I will unmute you. You will just read the answer. Be interactive. Electronic mail. Hanji. Electronic mail. Electronic mail. So why we use, what is the need of email? To send documents, applications, messages, etc. Okay. Ma'am, to send the documents safely from one person to another securely. So that is basically used to send and receive messages. To send and receive messages. So we are having a facility of the internet that will allow you to send and receive the messages electronically. That is called the email. Okay, so we are sending our messages and receiving. Now for sending and receiving the messages through the email, what is the prior, or you can say what is the foremost requirement for that? For sending and receiving the messages through email. We are saying we have to send and receive the messages. So can we have any account like WhatsApp or Viber? Is it so?
What is the foremost requirement for sending the emails? For sending an email, we should have another account on an email. Correct. So for sending an email, the main requirement is you should have some email account on which you have been registered. अगर आपको मेल भेजनी है तो भी आपको ईमेल अकाउंट चाहिए. अगर आप किसी को भेज रहे हो, जो भी बंदा रिसीव कर रहा है उसके पास भी अपना एक इंडिविजुअल ईमेल अकाउंट शुड बी देयर. नाउ ईमेल अकाउंट्स कैन नॉट बी सेम, इट शुड बी यूनिक. इन द सेम वे वी टॉक्ड अबाउट दैट एवरी सिस्टम इज हैविंग अ यूनिक आईपी एड्रेस. हर कंप्यूटर का अपने एक सिस्टम का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है. द सेम वे द ईमेल अकाउंट शुड ऑल्सो बी अ यूनिक. ये नहीं है कि सेम अकाउंट दो पर्सन के लिए कॉमन है. इट कैन बी देयर अगर कोई कंपनी है, दो पार्टनर्स इकट्ठे कोलैबोरेशन में कोई कंपनी रन कर रहे हैं, दे कैन हैव अ कॉमन अकाउंट विच इज फॉर द कंपनी ओनली. ओके, बट इट विल नॉट बी लाइक दैट कि एक ही नाम से दो अकाउंट रजिस्टर हुए. नो, एक नेम से एक ही अकाउंट रजिस्टर होगा आपके पास. सो वी नीड द ईमेल अकाउंट्स. सो देयर आर वैरायटी of emails websites, the web-based emails websites I'm talking about, which is of free in nature, free of cost. You just have to log in to their site and you can create a email account there. For example, Gmail is there, Yahoo Mail, Hotmail, Hotstar is there, then Rediff Mail is there. So you can make emails free of cost there. But the main thing in the main flawback you can say in the email is there will not be any instant reply. Agar aap kisi ko email bhej rahe ho, it will not be so. Just a second. But you are getting my, I am audible. So the light has gone. So I think these people are not working. So let's continue. So it can be sent to anyone around the world. You can frame an email and you can send to any person by sitting anywhere in the world. But the main thing is you will not get the instant reply to an email, because it can be possible the receiver or at the other end, the person is not available or it is not online. So WhatsApp and chatting messages में तो क्या होता है कि we are just immediately got the notification and we immediately reply that. But in email हर बार ऐसा नहीं है कि हम हर time अपने account के ऊपर online है. So that's why there can be possibility we are not able to respond back to our immediate effect of immediate reply of our email. So the email is transmitted between the computer systems which exchange the messages or which send the messages from one system to another having the different email accounts according to the protocols that are being formulated for the email specially. Now the email protocols we have discussed, that is SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. The other one is POP, that is Post Office Protocol, right? And third one is IMAP, Internet Message Access Protocol. Tino hi protocols email ke liye work karte hain. So before that, before you start sending or receiving any of the emails, आपके पास एक email account होना जरूरी है. The email account can be of two types now. दो तरह का email account हमारे पास हो सकते हैं. That is web-based email account, जो भी हमने बात करी, Gmail, Yahoo Mail, Hotmail, Rocket Mail. So these are the web-based email accounts. Second one is the email accounts that you have registered on the ISP server. So jo aap email account apne ISP server pe banayenge, that will be of charge, means aapko uski fee pay karni padegi. Theek hai, that is chargeable. Lekin jo aap web based accounts bana rahe hain, that are free of cost. So you just have to log in to a particular account and you can use that. Hotmail is there, Rediff Mail, india.com, gmail.com. So you can register to any email account. Now you can also use the email client software. Aap email client software bhi use kar sakte hain for creating, for sending and receiving the mails. For both sending and receiving, we can use email client software. So note down the list here.
note down the list, the examples of email client software, because this is not in in the notes there, so you can note down in your rough notebooks wherever you are jotting down the points, the examples of the email client software which will helpful in sending and receiving the emails. The email client is also known as MUA. Email client को हम और क्या बोलते हैं? MUA. MUA means mail user agent. The full form of MUA is mail user agent. This is a front end computer program. MU is a front end email, or you can say computer program, that is used to manage emails. MUA, mail user agent, also known as email client. The examples of email client softwares are, number one, EM, that is the client server platform, where you can able to send and receive the messages using some collaboration. You can able to send the voice messages as well, that is using the protocol VoIP. Write down the full form: voice over internet protocol. Voice over internet protocol. Voice over internet protocol is a protocol that is used to send audio and voice messages over the internet. So it will allow you to send the voice messages over the internet. This is the protocol basically used for the audio chats, right? जब हमें कुछ वॉइस मैसेजेस भेजने हैं तो वहां पे वॉइस ओवर प्रोटोकॉल वर्क करते हैं. The other example is Post Box Express. Post Box Express. Third example, Mozilla Thunderbird. Note down the examples of the email client software through which you can send or receive the emails. EM software. ये वॉइस इसके साथ नहीं लिखना, ये मैंने आपको सिंपली बताया कि दिस सॉफ्टवेयर आल्सो अलाउज अस टू सेंड द वॉइस मैसेजेस. सो पोस्ट बॉक्स एक्सप्रेस, मोज़िला थंडरबर्ड इज देयर, विंडोज लाइव मेल, विंडोज लाइव मेल, ओपेरा मेल. सो द एग्जांपल्स ऑफ ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर रिटन. It's M just link, it's not any full form, just M software. It is just a client server program. I hope you people have noted down. Okay, coming on to the next now, what are the folders in the email account? Agar aap kahin pe bhi apna account register karte hain for a particular emails, so you can see when you will log in to that account, जब आप उसके अंदर साइन इन करके एंटर करते हैं तो इंटरफेस के अंदर आपके पास बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं. इनबॉक्स, दैट इज यूज्ड फॉर हैविंग ऑल द इनकमिंग मैसेजेस, जहां के ऊपर आपके सारे इनकमिंग ईमेल्स विल बी देयर. सो ऑल द इनकमिंग मैसेजेस विल बी स्टोर्ड इन द इनबॉक्स फोल्डर, राइट. सेंट, सेंट फोल्डर इज यूज्ड, it is having all the sent messages. जितनी भी emails आपने send करी हैं उसका सारा record आपको sent folder के अंदर मिलेगा. Draft means when you have typed any message, आपने कोई email message अपना type करा है, उसको compose किया, but you have not sent, आपने send नहीं करा, आपने उसको सिर्फ save करके रख लिया है, तो that will be stored in a draft folder. Trash means the bin folder. कईयों के अकाउंट में ट्रैश आएगा, कईयों में बिन आते हैं, दैट विल डिपेंड अपॉन डिफरेंट काइंड ऑफ अकाउंट यू आर यूजिंग. जैसे गूगल में कुछ और आएगा, अगर आप याहू वालों का यूज करो तो उसमें बिन आएगा. सो इट इज यूज टू हैव ऑल द डिलीटेड ईमेल्स, जितनी भी अगर आपने ईमेल्स को डिलीट किया होगा, सो दैट विल गो इन साइड द ट्रैश और बिन फोल्डर. स्पैम, इट विल कंटेन ऑल द जंक ईमेल्स. कई बार आपने प्राइवेसी लगाई होती है, सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्ट करा होता है कि किसी अकाउंट से कोई मैसेज नहीं आएगा, कोई भी अननोन यूजर्स और अननोन अकाउंट से यू विल नॉट बी रिसीविंग एनी ईमेल, तो फिर हमें बोला जाता है कि स्पैम में अपनी ईमेल ढूंढो. कई बार हमने कोई वेबिनार्स के ऊपर रजिस्टर करा होता है, बट वी हैव नॉट सेव्ड देयर अकाउंट्स इन अवर एड्रेस बुक. लाइक सिमिलरली यू मेंटेन एड्रेस बुक
इन योर फोन्स, इन योर मोबाइल्स, आप मोबाइल के अंदर क्या करते हैं, अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट स्टोर करते हैं, सारे फ्रेंड्स के, आपके फैमिली मेंबर्स के नेम अलॉन्ग विद देयर नंबर्स आर स्टोर्ड, तो आप सर्च करते हैं इमीडिएटली. सिमिलरली ईमेल अकाउंट्स के अंदर भी हम अपने नियर एंड डियर वंस के जो भी ईमेल अकाउंट्स हैं, वी कैन सेव देम एंड वी कैन मेक एड्रेस बुक ऑफ दैट. तो कई बार होता है कि एड्रेस बुक वाली ईमेल्स ही हमें इनबॉक्स में दिखाई देती हैं, एंड सम अदर पर्सन इफ ट्राइंग टू सेंड यू द ईमेल, इट विल गो इनटू द स्पैम फोल्डर, दैट इज द जंक फोल्डर, क्योंकि उसमें बहुत सारी अनऑथोराइज्ड ईमेल्स भी आती हैं विच वॉज रिस्ट्रिक्टेड बाई द ईमेल अकाउंट. सो यू कैन ऑलवेज चेक योर स्पैम फोल्डर, कई बार वहां पे हमारी कोई एक्नॉलेज्ड और यू कैन से सम ऑथोराइज्ड पर्सन हैज सेंड द ईमेल, तो यू कैन टेक इट फ्रॉम द स्पैम फोल्डर, आप उसको स्पैम से इनबॉक्स के अंदर मूव कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ द ईमेल मैसेज, देर आर टू फॉर्मेट्स बाई विच यू कैन टाइप द ईमेल मैसेजेस. फॉर एग्जाम्पल, आप या तो एक प्लेन टेक्स्ट ईमेल मैसेज कंपोज कर रहे हैं और आइदर यू आर क्रिएटिंग द रिच टेक्स्ट ईमेल मैसेज. नाउ प्लेन टेक्स्ट मीन्स डॉट टी एक्स टी फाइल. प्लेन टेक्स्ट, जैसे आप नोट पैड अगर खोलते हैं तो नोट पैड की आपने एक्सटेंशन देखी होगी, ऑलवेज इट विल बी टी एक्स टी, मीन्स टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, प्लेन टेक्स्ट. सो डॉट टी एक्स टी फॉर, नोट डाउन द एक्सटेंशन हेयर. Dot txt for the plain text, that is the plain text email. और जो rich text file होंगी आपकी, extension is RTF, rich text file. So in the plain text, it will not support any kind of formatting features. सिर्फ text messages के लिए आप एक plain text, एक simple text लिख रहे हैं, that can be read by anyone. कोई भी ईमेल एप्लीकेशन उसको यूज कर सकती है, कोई भी उसको रीड कर सकता है, एंड इट कैन नॉट हैव एनी काइंड ऑफ ग्राफिक्स और पिक्चर्स इन इट. आप उसमें कुछ भी इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, कुछ भी ग्राफिक्स इमेजेस अपनी लगा नहीं सकते हैं. इट विल सिंपली हैव अ टेक्स्ट मैसेज, सिंपल प्लेन मैसेज जो कि टेक्स्ट के फॉर्म में ही होगा, एंड टेक्स्ट के ऊपर भी आप कोई उसको बोल्ड, इटैलिक या कोई कलर्स, कोई फॉन्ट स्टाइल, यू कैन नॉट अप्लाई दीज थिंग्स टू अ पर्टिकुलर टेक्स्ट. इट विल बी अ नॉर्मल टेक्स्ट विच विल बी सपोर्टेड बाई योर ब्राउजर. जो भी ब्राउजर का एक नॉर्मल डिफॉल्ट टेक्स्ट होगा, दैट इन दैट वे इट विल अलाउ यू टू राइट द मैसेज. बट इन रिच टेक्स्ट ईमेल, इन द रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, इट विल अलाउ यू टू फॉर्मेट योर मैसेज. फॉर एग्जांपल, यू कैन गिव द फॉर्मेटिंग ऑप्शंस, फॉन्ट दे सकते हैं, फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, कलर ऑफ द फॉन्ट कैन बी चेंज्ड, यू कैन अलाइन योर टेक्स्ट लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई, यू कैन गिव द फॉर्मेटिंग फीचर्स लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन. ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट यू कैन सेंड अ स्माइलीज. अभी जितने भी हम यूज करें उनमें सब में रिच टेक्स्ट ईमेल, आप नीचे स्माइलीज भी अपने मैसेज को कंपोज टाइपिंग के टाइम पे आप इमोटिकन्स आप सेंड कर सकते हैं, आप कोई पिक्चर्स या ग्राफिक्स को इंसर्ट कर सकते हैं. बट दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन कैन नॉट बी रीड बाई एवरी अदर एप्लीकेशन, ईमेल एप्लीकेशन स्पेशली. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेन टेक्स्ट एंड रिच टेक्स्ट ईमेल. एनी डाउट? यस बच्चे, एनी डाउट टू एनीवन? नाउ लेट्स लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द ईमेल मैसेज. जब भी हम कोई ईमेल मैसेज को कंपोज करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या फील्ड्स आते हैं. ओके, व्हाट आर द पॉसिबल फील्ड्स? सबसे पहले आता है टू फील्ड. टू मींस द एड्रेस ऑफ द रिसीवर, जिसको भी आपने ईमेल भेजनी है, हम टू फील्ड में से वी विल टाइप द ईमेल एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर अकाउंट टू हूम वी वांट टू सेंड एन ईमेल. जिसको भी ईमेल भेजनी है उस रिसीवर के ईमेल अकाउंट का एड्रेस आएगा. सीसी, इट स्टैंड्स फॉर द कार्बन कॉपी. It will contain the addresses of all the recipients to whom the mail has been sent. So it means अगर आप same mail 10 students को भेज रहे हो या 10 persons को भेज रहे हो, तो every other student will able to see कि ये email और किस किस को गई है. Because in the CC field it will be visible to all. सबको दिखाई देगा कि ये mail किस किस को गई है और कौन कौन से recipients है, क्योंकि सारे recipient के email addresses it will be visible in the CC field. BCC, the same purpose is there,
बट द स्टूडेंट्स और द पर्सन विल नॉट एबल टू सी अपार्ट फ्रॉम मी और किस किस को ये मेल पहुंची है. सो दैट इज द ब्लाइंड कार्बन कॉपी. सो इट विल ऑल्सो कंटेन द ईमेल एड्रेसेस ऑफ ऑल द रिसिपियंट्स those who have received the same email, but the recipient list, the addresses list will not be visible to others. So the difference clear, CC and BCC. Then is the subject. Subject, it contains the descriptive title of the message. अगर message भेजने के पहले हम एक subject line में एक बताते हैं the short description regarding the मैसेज की व्हाट दिस मैसेज इज ऑल अबाउट. इस मैसेज में हम क्या बता रहे हैं, प्रॉपर ईमेल किसके रिलेटेड है. तो हम एक शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट देते हैं इन द सब्जेक्ट फील्ड. बॉडी इट इज द एक्चुअल कंटेंट एरिया जहां पे आप पूरा का पूरा मैसेज अपना टाइप करते हैं. सो दिस इज द कंटेंट ऑफ द ईमेल मैसेज. नेक्स्ट इज द अटैचमेंट्स. So with the by clicking on this attachment button, you can able to send any file. चाहे आप कोई image file भेज सकते हो. You can send audio message. You can send कोई any kind of video. You can send short movies clips can be sent. So but there is some limit कि आप कितना कितने maximum कितनी limit तक जो file है that you can attach and you can send. PDF documents we can easily share using the attachment files. And once the whole process has been done, once you have formulated the entire email, then you have to click on a send button for sending a email. सबसे पहले two field में, then CC, BCC, it's your choice if you are sending same message to multiple recipients. So the web addresses, the email account addresses will be there. Subject, the descriptive text for a particular email message. Attachments, अगर आपने कोई साथ में files कुछ अपनी attach करके भेजनी है. बॉडी में आपका एक्चुअल मैसेज का कंटेंट रहेगा एंड फाइनली यू हैव टू क्लिक ऑन अ सेंड बटन फॉर सेंडिंग एन ईमेल. हाउ टू क्रिएट द गूगल अकाउंट द स्टेप्स आर देयर इन योर सिलेबस. तो जब भी आप गूगल अकाउंट बनाते हैं, बहुत सारे बच्चों ने बनाया भी होगा, सिंपली यू हैव टू लॉग इन टू द gmail.com www.gmail.com. देयर यू विल गेट द ऑप्शन फॉर क्रिएटिंग एन गूगल अकाउंट. For creating a Google account, sign up. Then first name, this form you have to fill. First name, last name. Then what username you want to have for your email account. कई बार होता है आप यहाँ पे जब username लिखते हैं, you can have the numbers, you can have the letters, you can have the dots in between your email address name, the username. कई बार यहाँ पे आता है दिस यूजर नेम इज ऑलरेडी बीन टेकन. तो दैट मीन्स वो यूजर नेम ऑलरेडी किसी डोमेन पे पहले यूज हो चुका हुआ है. gmail.com के ऊपर ही वो यूजर नेम पहले से ही किसी पर्सन ने उसको यूज कर लिया हुआ है. सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि जो ईमेल अकाउंट के आपके एड्रेसेस होते हैं दैट आर आल्सो यूनिक. इट कैन नॉट बी पॉसिबल कि सेम यूजर नेम से दो अकाउंट एग्जिस्ट हो रहे हैं. सो दैट्स व्हाई वहीं पे आपको बता देते हैं कि ये यूजर नेम ऑलरेडी टेकन है. सो चूज सम अनदर यूजर नेम एंड देन यू हैव टू फ्रेम अ पासवर्ड फॉर योर अकाउंट. देन यू हैव टू री एंटर द पासवर्ड फॉर कन्फर्मिंग दैट. And then click on the next button. Next करके आपका ऐसे ही account बन जाएगा. Now how to compose the message? For composing the message, you have to click on the link. A link will be there. Compose an email. Or simply कहीं applications में आएगा compose. So simply you have to click on the compose. So this window will appear where you have to frame your email message. The new email message is to be framed. So two field. The receiver's address, subject, the descriptive text, CC, that will for carbon copy, BCC for the blind carbon copy. Now here you can see the attachment button is this second button, attachment. From here you can add the smileys. अगर आप कोई अपनी clouds या अपनी file देना चाहते हो तो then you can give. अगर आपको अपनी email message को discard करना है तो this is the bin button where you can just delete this email and for sending simply click on the send button. और अगर आप email message के नीचे अगर अपने आप को digital signatures देना चाहते हैं so by using this signature icon you can add the signatures, digital signatures to the email. Next are the advantages of the email. So email is fast in speed. Only thing is we require the internet connection. अगर आपके पास internet connection नहीं है तो you won't be able to send the email. And
the electronic message is being sent, so that's why it is saving the paper, it is saving the printing cost. Multiple copies can be sent to a group of people at one time. एक ही time पे आप multiple addresses भी डाल सकते हैं. अगर आप same mail, suppose जितनों को भी दे रहे हैं, two field के अंदर भी आप multiple addresses by separating with the semicolon और a comma, दोनों के साथ separate करके आप multiple addresses डाल सकते हो. एक ही copy की आप multiple copies भी एक email के साथ भेज सकते हैं. Files and images files can also be sent. So messages can be prepared in advance and save until you are ready to send them. Means आपने message frame करके रखा हुआ है but you have not sent it. So that means आपके पास message available है, वो delete नहीं हुआ है. That message will be stored in the draft folder. Okay. So later on you can use the same message from the drafts. You can recompose that. You can use that. You can make the changes in that and then you can send them whenever it is ready to use or ready to send. So it is very easy to use, but the thing is risk of virus is there, hardware requirement is there, we cannot able to express our emotions, we cannot express our facial expressions, so limited size of the data can be sent. So this completes our email topic. I hope the topic is clear. Any doubt, bacha? Any doubt? Yes. So today's topic is clear. Email is one of the service of the internet. So just give it a quick reading for 2 minutes. The topic will be very much clear to you. Already, aap logon ne use bhi kiya hua hai practically, so that's why it makes more easier to understand that. Okay, तो इसको एक बारी just give it a 2 to 5 minutes reading practically.